फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन फैशन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 35 साइज का अस्तर वाला ब्लाउज कैसे स्टिच करते हैं, ये आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इसमें पाइपिंग कैसे लगाएं, राउंड नेक बनाऊंगी, पाइपिंग कैसे लगाएं ये भी शेयर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से अस्तर को अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको हम इस टाइप से कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक हो क्लीन से, जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए। बैक साइड का पीस अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सभी लाइनिंग अटैच हो गई है। ये हमारे फ्रंट पीस हैं, ये हमारा बैक पीस है, और ये हमारी स्लीव्स है जिसमें मैंने लेस भी लगा ली है। लेस सिंपल है फ्रेंड्स, हम प्लेट्स डालेंगे दोनों पीस में। ये देखिए इस टाइप से डालेंगे फ्रेंड्स। जैसे ड्रॉ हुई है उसी टाइप से डाल लेनी है। ये देखिए इस टाइप से ढल जाएगी प्लेट्स हमारी। ये देखिए, अब हमें बेल्ट लगानी है। इससे पहले हम दूसरे में भी प्लेट्स लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस को प्लेट्स डल गई हैं। अब हम इसको बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाएंगे तो जो मेन फैब्रिक है वो नीचे रखेंगे, फिर उसके बाद जो हमें ब्लाउज का पीस रखना है और ये हमें लाइनिंग रखनी है बेल्ट की, तीनों को एक साथ पकड़ेंगे और इस टाइप से सादा सिल लेंगे। प्लेट्स को फोल्ड करेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारी सिलाई है ये दिखाई नहीं देती, धागे वगैरह नहीं निकलते हैं, इंटरलॉक की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए इस टाइप से ये ऐसे हो जाएगी और ये हमारी इस टाइप से हो जाएगी, दोनों साइड से सिलाई दिखाई नहीं देगी। हम दूसरे पीस के बेल्ट को भी लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए दोनों पीस की जो हमारी बेल्ट है वो लग चुकी है। अब हम इसके पट्टियां लगाएंगे, ऊकाई की पट्टी। ये हम लाइनिंग वाली पट्टी लेंगे और ये हम मेन फैब्रिक की लेंगे, जो कि हमारी 2.5 इंच के करीब होती है फ्रेंड्स। से लगानी है, पहले मेन फैब्रिक होगा, उसके बाद में ये देखिए ये होगा, फिर लाइनिंग होगी, जिससे कि ये हमारी खिसके नहीं हुक के साथ में। और अब इसको हम अटैच कर लेंगे सीधी सीधी सिलाई से। आई वाली पट्टी है, अब इसको हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अटैच करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। हुक वाली होती है, इसको हमें ऊपर से लगाना होता है। ये देखिए इस टाइप से लगाएंगे। ये भी हमारी 2.5 इंच के करीब होती है। ये देखिए इसको डबल फोल्ड करेंगे। एक्स
एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और अभी इसको हम फोल्ड करेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग से लगी, और एक सिलाई लगाएंगे ते हैं इसके ऊपर। ये देखिए दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। ऐसे ज्वाइंट करते हैं, उसी टाइप से ज्वाइंट करेंगे, लगाएंगे। हम स्लीव्स अटैच करेंगे, नॉर्मल जैसे स्लीव्स लगाते हैं उसी टाइप से लगाएंगे। स्लीव्स को ऊपर रखेंगे, पीस को नीचे रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अरे पट्टी कट कर ली है, ये देखिए। और अब इसमें हम डोरी लगाएंगे, क्योंकि हमें डोरी वाला नेक बनाना है, मतलब डोरी वाली पाइपिंग बनानी है। तो ये देखिए, टाइप से लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल डोरी के साइज की होनी चाहिए। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे, ब्लाउज के ऊपर हल्का सा कट करेंगे, इस टाइप से लगाएंगे। हाफ इंची अंदर की साइड होगी फ्रेंड्स, ये देखिए, जिससे कि हमको फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे सिलाई आनी चाहिए, रखना है पाइपिंग को। ये देखिए फ्रेंड्स, और थोड़ी एक्स्ट्रा कट करेंगे फ्रेंड्स, हाफ इंची एक्स्ट्रा कट करेंगे। और अब ये देखिए, इसको इस टाइप से फोल्ड करें। अब फोल्ड करते जाना है एकदम फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी पाइपिंग लग के रेडी हो गई है। देखिए कितने अच्छे से लगी है फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम धागे की जैसी लगती है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे, फिटिंग कर लेंगे इधर भी और इधर भी फ्रेंड्स। तो फोल्ड करेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि इधर बेल्ट को भी फोल्ड करते हैं। ये देखिए, पहले मैं बेल्ट को फोल्ड करूँगी। और सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, इसी टाइप से आप पीछे की साइड भी लगा लेंगे, जो हमारा बैक साइड का पीस है उसमें। ये देखिए, ये हमारा फोल्ड हो गया है। ठीक फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की मोरी पे मार्क करेंगे। 4.5 है, यानी कि 9 इंची है, 9 इंची का हाफ करेंगे, 4.5 हो जाएगा। उधर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड भी लगा लेंगे फ्रेंड्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ये अस्तर वाला ब्लाउज डोरी वाली पाइपिंग के साथ में शेयर किया है। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स।